विश्व के कई देशों में कोरोना वैक्सीन को लेकर काम चल रहा है, लेकिन सबसे पहले शुभ समाचार आया रूस से। रूस ने पहली कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया है। रूस ने इस वैक्सीन क्रांति को स्पुतनिक मूवमेंट कहा है। स्पुतनिक रूसी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है साथी। कोरोना के संक्रमण पर पुतिन का पावर पंच, कोरोना के खिलाफ जंग में मिला सबसे बड़ा हथियार। रूस की संजीवनी से मिटेगा संक्रमण का अंधियारा। दुनिया भर के लिए सबसे बड़ा संकट बन चुके कोरोना वायरस का अंतकाल शुरू हो चुका है। कोरोना के खिलाफ रूस से शुरू हो गई है अगस्त क्रांति। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने का दावा किया है। वैक्सीन की ये खुराक राष्ट्रपति पुतिन की बेटी को दी गई, जिसका परीक्षण सफल रहा। रूस ने इसे स्पुतनिक मूवमेंट करार दिया है। स्पुतनिक वन दरअसल दुनिया का पहला सैटेलाइट जिसे सोवियत संघ ने वर्ष 1957 में लॉन्च किया था। दावा है कि इस वैक्सीन में निष्क्रिय वायरस का प्रयोग किया गया है जो इम्यून सिस्टम सक्रिय करती है, वायरस पहचान कर प्रतिक्रिया देती है और इससे शरीर में वायरस से अपने आप लड़ने की क्षमता विकसित होगी। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहोम ने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन कोई जादुई गोली नहीं होगी जिसके खाने से कोई तुरंत ठीक हो जाएगा। A global vaccines facility is engaging over 160 countries. The first therapy for severe COVID dexamethasone is in scale up. Dozens of other promising therapies are under analysis. WHO ने दावा किया है कि रूस ने वैक्सीन से जुड़ी कोई जानकारी या डेटा नहीं दिया। रूस के अलावा अमेरिका और भारत समेत दुनिया के कई देशों में वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। भारत में 3 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। हालांकि स्वदेशी वैक्सीन को लेकर अब भी इंतजार है, लेकिन रूस की वैक्सीन पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की बड़ी किरण बनकर